आज का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो पढ़ाया है सॉइल पीएच क्या होता है। तो बेटा सॉइल पीएच की बात कर दूं तो पीएच क्या है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, पीएच के नाम से जाना जाता है। या मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक सक्रिय सांद्रता को पीएच कहते हैं। फिर एक बात ध्यान देंगे, इंग्लिश में pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration। और हिंदी में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक सक्रिय सांद्रता को pH कहती है। बात समझ में आ गई बेटा। अब आगे बात करते हैं pH को नापने के लिए या पीएच का मीजरमेंट करने के लिए पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। द पीएच मीटर इज यूज टू मीजर द पीएच ऑफ एनी सॉइल मटेरियल। बस बन जाए पॉइंट नंबर 3, पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक चिन्ह होते हैं। जब देखेंगे बेटा एक बार कैसे होते हैं, देखिए ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो बेटा ये पीएच स्केल है और इस पीएच स्केल पर 0 से 14 तक चिन्ह होते हैं या अंक होते हैं। और ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से कम होता है ऐसी मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है। ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से अधिक होता है ऐसी मृदा को क्षारीय मृदा कहते हैं। और एक ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 होता है ऐसी मृदा उदासी मृदा के नाम से जानी जाती है। बात समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई ना? तो देखिए मैंने क्या बताया कि पीएच स्केल पर 0 से 14 तक साइन होते हैं या अंक होते हैं। जब पीएच 7 से कम जाता है तो मृदा अम्लीय हो जाती है, जब पीएच 7 से अधिक जाता है तो मृदा क्षारीय हो जाती है। और एक ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 होता है ऐसी मृदा उदासीन मृदा के नाम से जानी जाती है। Is that clear to everybody, my dear? समझ में आ गया? Yes, sir. आगे देखें बेटा। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए to improve the acidic soil चूने का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और बेटा नाइट्रोजन और पोटास की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और पोटास उदासीन मृदा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। समझ आ गई? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब पीएच उदासीन होता है या पीएच 7 होता है उस समय नाइट्रोजन और पोटास आयन की सांद्रता सर्वाधिक होती है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई बेटा? अब आगे एक पॉइंट और, सभी फसलों के लिए जो उपयुक्त पीएच है वो 6 से लेकर 7.5 के मध्य होता है। कितने के मध्य होता है बेटा? 6 से लेकर 7.5 के मध्य होता है। या हम कह सकते हैं कि द रेंज ऑफ पीएच फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एनी क्रॉप लाइज बिटवीन 6 to 7.5 पीएच। राइट माय डियर? अब एक पॉइंट हो गया माय डियर,
कि एक ऐसी मिट्टी या ऐसी मृदा जिसका पीएच 6 से कम होता है, ऐसी मृदा के अंदर आयरन एल्यूमिनियम आयन की सांद्रता अधिक पाई जाती है। ऐसी मृदा जिसका पीएच 6 से 6.5 के बीच में होता है, ऐसी मृदा के अंदर फास्फोरस और बोरोन आयन की सांद्रता अधिक पाई जाती है। और माय डियर, एक ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से अधिक होता है, ऐसी मृदा के अंदर बेटा कौन से आयन की सांद्रता अधिक पाई जाती है? कैल्शियम और मॉलिब्डेनम आयन की सांद्रता अधिक पाई जाती है। बात समझ में आ गई माय डियर? तो ये पूरा जो टॉपिक था ये सॉइल पीएच के नाम से जाना जाता है।